हेलो, गुड आफ्टरनून एफ आई बीकॉम स्टूडेंट। हेलो स्नेहल, हेलो गुड आफ्टरनून एफ आई बीकॉम स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? यस और नो? ओके यस मैम। ओके, सो कल हमने ये टोपोग्राफी टॉपिक देखा था। आपको समझ में आया क्या? कल ये पढ़ाया था आपको, टोपोग्राफी पढ़ाया था, ये आपको समझ में आया? टोपोग्राफी किसको बोलते हैं, समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करूं? जल्दी से, टोपोग्राफी समझ में आया फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ, फिर से। ओके, तो टॉपोग्राफी में द फिजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन लाइक माउंटेन्स, प्लेटियू, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा फ्रॉम द टॉपोग्राफी। तो टॉपोग्राफी में किस किस जो प्लेसेस का इंक्लूड किया जाता है वो बताया गया। तो टॉपोग्राफी में माउंटेन्स यानि पहाड़, प्लेटियू मीन्स पठार, प्लेन्स मीन्स प्लेन लैंड जो सपाट जमीन होता है उसको बोला जाता है, फिर वैली, वैली मीन्स खाई, इन सभी को टोपोग्राफी में लिया जाता है। देन दिस फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो फैक्टर है एनवायरमेंट के, ये जो जगह है, तो उसके हिसाब से उसके जो डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ पे होती है वो वहाँ पे दिखाई देती है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखा आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि माउंटेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम बारी बारी सभी जो फैक्टर्स दे गए उसको, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। माउंटेन, माउंटेन रीजन्स हैव रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो जैसे मैंने कल बताया था कि आज भी मैं आपको फिर से वही बात दोहराती हूँ, बताती हूँ कि जो माउंटेन एरिया होता है वो इकोनॉमिकली कैसा होता है, बैकवर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उसके रीज़न क्या है अभी हम देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट मच डेवलप्ड ड्यू टू द लिमिटेड लेवल एंड रैपिड सॉइल इरोजन। एक तो उसमें दो फैक्टर आते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होता है, एग्रीकल्चर अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उसकी जमीन, जो ज़मीन होती है उसका जो सॉइल होता है उसका इरोजन ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अगर वहाँ पे खेती बाड़ी भी होता है तो वो लिमिटेड सोर्स में ही हमको मिलता है। तो ड्यू टू द लेक ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, अनडल्टिंग द नेचर ऑफ टेरेन, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रिमिटिव एक्टिविटीज सच एज फ्रूट गैदरिंग, एनिमल रेयरिंग, शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी ठीक नहीं है, दूसरा है उसके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी वहाँ पे ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से। और दूसरा फैक्टर है जो नेचर है उसका, जो एनवायरमेंट है, टेरेन मीन्स इम्बैलेंस होता है कि कभी कभी उसका मीन्स जैसे प्लेन लैंड में आपका एनवायरमेंट अच्छा होता है, उतना हिली एरिया में या माउंटेन एरिया में इतना एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चर डेवलप ना होने की वजह से जो प्रिमिटिव एक्टिविटीज है कि जैसे कि फ्रूट गैदरिंग, ओके, एनिमल रेयरिंग की, और दूसरा है शिफ्टिंग और एग्रीकल्चर, ये सब जो एक्टिविटीज है वहाँ पे डेवलप नहीं हो सकती। देन माउंटेन्स आर द स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल एंड फॉरेस्ट। तो माउंटेन्स में ज़्यादातर, पहाड़ में हमको ज़्यादातर जंगल और मिनरल्स वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं या मिलते हैं। दैट अराउंड द माउंटेन्स विच आर एसेसिबल टू द डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल रीजन, माइनिंग एंड लंबरिंग एक्टिविटीज आर वेल डेवलप्ड। तो पहाड़ी विस्तार के जो आजू बाजू के जो इंडस्ट्रियल रीजन है या इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ दो टाइप की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाई देती है। तो पहला है माइनिंग और दूसरा है लंबरिंग। लंबरिंग मीन्स लकड़े से जुड़ा, लकड़ा काटना, लकड़ा इकट्ठा करना, लकड़ा बेचना, वहाँ पे लकड़े से रिलेटेड और कोई भी जो बिजनेस है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, लंबरिंग में दिखाई देता है। तो ये जो पहाड़ी विस्तार, नॉट पहाड़ी विस्तार मीन्स पहाड़ी विस्तार के अंदर नहीं, लेकिन पहाड़ी विस्तार के आजू बाजू के कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे हमें माइनिंग और लंबरिंग एक्टिविटीज हमें दिखाई देती है। तो समझ में आया आपको? डू अंडरस्टैंड? यस यस। ओके
ओके अभी ये देखिए दूसरा पॉइंट है. टुडे द मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक रबर टी कॉफी, ये जो पहला पॉइंट है उसी में ही आता है. तो कॉफी एक्सेट्रा आर कल्टिवेटेड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड टूरिज्म इज द ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ हाई माउंटेन्स. तो आजकल जो क्रॉप हमें दिखाई देते हैं, क्रॉप जो लगाए जाते हैं, एक क्रॉप होते हैं कि रबर हो या चाय पत्ती हो या कॉफी हो, तो ये माउंटेन एरिया के स्लोप एरिया में, स्लोप होता है ना माउंटेन का जो स्लोप होता है, वहाँ पे हमें ये इस तरह का हमें कुछ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमें या एग्रीकल्चर का क्रॉप हमें दिखाई देता है. लेकिन जो माउंटेन एरिया है या माउंटेन हिल एरिया है, तो ज़्यादातर लोग उसको टूरिज्म के तरीके से इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल पहाड़ी पे चढ़ना या ट्रैकिंग करना, तो इस तरह का जो एक्टिविटीज हमें दिखाई देता है तो वो माउंटेन एरिया में दिखाई देता है. तो माउंटेन जो एरिया है तो वो एक टूरिज्म प्लेस के लिए या टूरिज्म के लिए या टूरिज्म एक्टिविटी के लिए ये अच्छा एरिया हो सकता है. लेकिन एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पर इतना अच्छा नहीं होता है. तो अभी ये पॉइंट पूरा समझ में आया? यस मैम. ओके अभी दूसरा है प्लेन्स. यस मैम. यस दूसरा पॉइंट है प्लेन्स. प्लेन्स ऑक्यूपाई अबाउट 55% ऑफ लैंड एरिया एंड सपोर्ट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो मीन्स फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो कॉलेज है, हमारा घर है, हमारा दुकान है या हमारा स्कूल है, तो ये सब कहाँ पे आया है, कौन से एरिया में आता है, प्लेन एरिया और प्लेन लैंड एरिया में. ये वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ज़्यादातर 90% पॉपुलेशन है वो लैंड एरिया में, प्लेन लैंड एरिया में हमें दिखाई देता है. द पॉपुलेशन इन द प्लेन्स इज मेनली बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, लेवल लैंड, प्रेजेंस ऑफ नंबर्स, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ रिवर्स एंड वेल डेवलप्ड फैसिलिटी. तो हमें प्लेन एरिया में रहना क्यों अच्छा लगता है, तो क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अच्छी रहती है. क्योंकि जो हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी जितना अच्छा होगा सॉइल का, वहाँ पे क्रॉप भी अच्छा होगा, एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, जो लेवल लैंड का जो लेवल है वो इक्वल होगा. तो इस कुछ विशेषताएँ यहाँ पर दिखाई गई कि हाँ, अगर नदी है या कुछ और ट्रांसपोर्ट अच्छी फैसिलिटी, तो वहाँ पे हमें रहना अच्छा लगता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम घर की बात करें, घर का जब हम एग्जांपल लेते हैं, घर बांधना हो तो सबसे पहले हम प्लेन लैंड एरिया के बारे में सोचते हैं कि ज़मीन कहाँ पे अच्छी है. तो ज़मीन लेने के बाद कि घर बांधने के बाद सबसे पहला जो प्रश्न उठता है या प्रश्न आता है, तो वो पानी का सवाल होता है. तो पानी यहाँ पे है क्या, पानी नहीं है, या पानी का कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ मुंबई के कुछ एरिया में भी पानी कम होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बसना या रहना पसंद नहीं करते. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दापोली का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो जून महीने से लेकर मार्च महीने तक का अच्छा पानी आता है क्योंकि हम प्लेन लैंड एरिया में रहते हैं. लेकिन मार्च के एंड से जो कटौती चालू हो जाती है या पानी की कमतरता हमको दिखाई देती है, पानी कम होता है, कम होता दिखाई देता है, तो मई जून तक वो पानी कम दिखाई देता है. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे रहना, ऐसे सभी सोचते हैं कि दापोली में मई में रहना अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी की कटौती है. तो समझ में आया कि प्लेन एरिया में हम क्यों रहते हैं, कि जहाँ पानी की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल अच्छा है, लेवल लैंड अच्छा है, तो वहाँ पे हमें रहना अच्छा पसंद करता, हम रहना अच्छा लगता है. या ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी सीन इन द प्लेन लैंड एरिया. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके. यस मैम. सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर वेल डेवलप्ड एंड डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड. अभी कभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिसे मैं अभी बताया और कम्युनिकेशन फैसिलिटी, तो प्लेन लैंड एरिया में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी रहती है. अगर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होता है, तो वहाँ पे वो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो प्लेन लैंड एरिया में ही होना चाहिए. क्यों? कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से जा सकते, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं,
कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अभी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक सिंपल से एग्जांपल देना हो तो अभी जो बच्चे लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उनके पास नेटवर्क अच्छा है, ओके। अगर हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको कम्युनिकेशन हमारा हो पाएगा क्या? नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ओके। कुछ बच्चों को तो लेक्चर अटेंड करने के लिए 5 किलोमीटर घर से बाहर जाना पड़ता है, तो इसकी वजह से मिस वहाँ पे कौन सा एरिया है, माउंटेन एरिया है या प्लेन लैंड एरिया है या कैसे विस्तार में वो लोग रहते हैं, तो इसके हिसाब से वो हम कम्युनिकेशन फैसिलिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली अभी राइट नाउ? यस यस, ओके। तो तीसरा पॉइंट है प्लेटियम। तो प्लेटियम जिसको हम पठार बोलते हैं, मैं आपको एक इमेजेस बताना है तो जैसे आपको पता चल गया प्लेटियम मतलब क्या। रोलिंग ऑफ फ्लैट लैंड एट हायर एलिवेशन इज नोन एज प्लेटियम। तो रोलिंग हो या फ्लैट लैंड हो लेकिन वो उसकी जो जगह है वो उसको हायर एलिवेशन पे आया तो उसको हम प्लेटियम बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑन प्लेटियम डिपेंड्स ऑन देयर लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड पावर सोर्सेस। तो प्लेटियम का जो एरिया है तो उसकी डेवलपमेंट उस हिसाब से, मीन्स प्लेटियम का जो एरिया है उसके हिसाब से रहता है कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज कैसी होती है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकेशन है या क्लाइमेट कैसा है या नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज कैसा है, तो वो प्लेटियम में उसके हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से हमें समझ में आता है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? वहाँ पे कितना डेवलपमेंट है वो उस विस्तार पे डिपेंड है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको समझ में आएगा, ये प्लेटियम बोलते हैं इसको, ये जो है इसको प्लेटियम बोलते हैं। दैट हायर एलिवेशन, प्लेन लैंड, ये समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है आपको? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो इसको हम प्लेटियम बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट ज्यादातर हम जनरली बोलते हैं कि आज का क्लाइमेट कैसा है, बात करते कि नहीं करते? बात करते हैं ना, आज क्लाइमेट कुछ ठीक नहीं है, बात करते कि नहीं करते हैं? जनरली करते हैं, ओके। तो जनरली सपोज हमारे यहाँ पे दापोली में 5 महीनों तक बारिश रहती, 5 महीनों तक बारिश है। अभी का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है, ड्राई है या वेट है? ड्राई है या वेट है, कैसा है क्लाइमेट अभी का? क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है या वेट है? आप सुन रहे हैं, अभी का जो क्लाइमेट है बारिश हो रही तो ड्राई, क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है या वेट है? वेट है। वेट है, ओके। वेट है, 5 महीने से बारिश, 5 महीनों तक बारिश यहाँ पे होती है हमारे लापोले में, 5 महीने तक बारिश होती है। जून से स्टार्ट होता है तो अक्टूबर नवंबर तक कभी कभी बारिश रहता है, ओके। तो तभी फॉर एग्जांपल जैसे जब सूरज निकलता है, या जैसे फॉर एग्जांपल अभी बारिश नहीं है या आज सूरज निकल आया, तो कभी हमको कैसा फील होता है, कैसे हम फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं या नहीं करते हैं? यस मैम, ओके। क्योंकि जब सूरज ज्यादा निकलता है तो वहां से हमको जो एनर्जी मिलती है, उसमें जो किरणों से एनर्जी आती है, तो वो हम ज्यादा फील फ्रेश करते हैं। अभी का जो बारिश का मौसम है थोड़ा सा डल एटमोसफियर है, डल क्लाइमेट है, हाँ, डल क्लाइमेट की वजह से शरीर में क्या हो जाता है, आलसपन आ जाता है। क्लाइमेट भी अपने बॉडी पे, फिजिकल स्फीयर पे या माइंड पे या सब कुछ, सब जगह वहाँ पे इफेक्ट करते हैं। अगर आपको किसी विषुववृत्तीय प्रदेश में भेजा जाए जहाँ पे बहुत ही गर्मी है, तो क्या आपके बॉडी को सूट हो पाएगा, क्या आपकी बॉडी नहीं हो पाएगा?
अगर ठंडे ठंडे वाले देश में आपको भेज दिया जाए तो आपके बॉडी को वो सूट हो जाएगा, सूट हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके अभी एक दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं एनआरआई होते हैं या दूसरे कंट्री से आते हैं, तो हमारा देश का जो क्लाइमेट है और उनके देश का जो क्लाइमेट है वो अलग रहते हैं, ये आप मानते हैं अलग रहते हैं? अलग रहते हैं, टाइमिंग भी अलग होता है, आदतें भी अलग होती है, यस और नो? यस और नो? यस। हाँ, आदतें भी अलग होती है, उनके जो हम बोलते हैं कि उनका क्लाइमेट भी अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल वो जब बाहर से हमारे देश में आते हैं, जब हमारे देश में आते हैं तो उनको एडजस्ट करने में ही पूरा एक 15 दिन तक वैसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो ठंडे देश से आए हैं पूरा मीन्स वहाँ पे ठंडी है, हमारे यहाँ पे गर्मी है, तो वो टेम्परेचर को बॉडी मीन्स वो टेम्परेचर और बॉडी को वो कोऑर्डिनेशन होते होते उनके 15 दिन निकल जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? तो क्लाइमेट इज द मेन फैक्टर टू इफेक्ट अवर फिजिकल एटमोसफियर एंड समथिंग मीन्स अवर बॉडी, अवर माइंड एंड एवरीथिंग एल्स, कि जहाँ पे हर जगह पे उसकी इम्पैक्ट दिखाई देती है। ओके, क्लाइमेट इज द मेजर फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, इट इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिकली ऑल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि मैंने जैसे अभी बोला कि ह्यूमन लाइफ के जो जितने भी डायरेक्शंस हैं या डायमेंशंस हैं उस पर ज़्यादातर हमें इफेक्ट हमें क्लाइमेट की दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैपेसिटीज टू अंडरटेक वर्क, सॉइल टाइप्स, वेजिटेशन टाइप्स एक्सेट्रा ऑल आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी चीज़ों पे इफेक्ट दिखाई देती है, तो उतना होता है काम करने का तरीका, दूसरा है जो सॉइल टाइप मीन सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो अलग होती है, हमारे कोकण की जो मिट्टी है वो अलग है, क्योंकि हमारे कोकण की जो मिट्टी है वो लाल कलर की है, लाल कलर की है कि नहीं, जहाँ पे वाटर कम वाटर ऑब्जर्व कम होता है, जो रेगिस्तान की मिट्टी है वहाँ पे बिल्कुल भी पानी ऑब्जर्व नहीं होता है, वाटर ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे जिस क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार मीन्स अलग अलग टाइप के उसकी इम्पैक्ट हमें दिखाई देती है, कि फॉर एग्जाम्पल जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ही वेजिटेशन होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल देखिए पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ को उगाया जाता है, क्योंकि उसका गेहूँ को उगाने का जो क्लाइमेट है वो सिर्फ आपको पंजाब में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो एरिया आता है वो साउथ में आता है, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, राइस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राइस से रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्लाइमेट है। तो हर जगह का अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन भी अलग अलग होगा। समझ में आया पॉइंट समझ में आया? उसका फिजिकल एनवायरमेंट, मैंने जैसे अभी बोला फिजिकल एनवायरमेंट पे उसकी ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देती है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी तरह से होगा, और उसकी जो एक्टिविटीज है जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो भी उस हिसाब से होगी। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि आपके जो टाइम टेबल में फिर से एक बता रही हूँ कि अगर आप भूल गए हो कि जो मंडे का जो टाइम टेबल है वहाँ पे ईवीएस के 2 लेक्चर दिए गए हैं, लेकिन मंडे का हमारे यहाँ पे आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो मंडे के जो 2 लेक्चर है वो मैं जो दूसरा लेक्चर है वो मैं कभी भी मीन्स मंडे ट्यूजडे सॉरी ट्यूजडे टू सैटरडे में मैं कभी भी ले सकती हूँ, ठीक है, आफ्टर टू ओ क्लॉक, सो बी रेडी फॉर दैट, अंडरस्टैंड? ठीक है यस मैम। ओके यस मैम। ओके अभी यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में और दिया है, क्लाइमेट एंड एक्टिविटीज उससे क्या रिलेशन है, क्लाइमेट और एक्टिविटीज में क्या रिलेशन है? द एक्टिविटीज ऑफ मैन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट, फॉर एग्जाम्पल हंटिंग, फिशिंग, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स, primitive agriculture and important activities, equatorial region hunting is the main activity of the grassland region। यहाँ पे अभी
जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा एरिया होगा, वहाँ पे अलग अलग तरह की हमें ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देती है। तो फिशिंग हमें कहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे समुद्र किनारा है, यहाँ पे जहाँ पे सी लैंड है या सी एरिया है, वहाँ पे हमें फिशिंग ज़्यादा दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कापोली जो रत्नागिरी पूरा एरिया है तो वो फिशिंग के लिए फेमस है, एम आर आई, क्योंकि उसका क्लाइमेट वैसे ही है। ओके, दूसरा है हंटिंग, शिकार करना। तो जो हंटिंग जो एक्टिविटीज हैं वो हमें ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में हमें दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया में हमें जंगल ज़्यादा दिखाई देते, तो वहाँ पे शिकार ज़्यादा होते। तो उसकी जो एक्टिविटीज है, हंटिंग एक्टिविटीज, हमें पहाड़ी एरिया में ज़्यादा दिखाई देगी। फिर बाद में आता है वाइल्ड फ्रूट्स या फ्रूट्स कलेक्शन या फ्रूट गैदरिंग, तो उसके हिसाब से हमें दिखाई देगी। ओके, दूसरा है कि जो हंटिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ ग्रासलैंड रीजन, जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे ग्रासलैंड है, तो वहाँ पे हंटिंग एक्टिविटीज हमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो समझ में आया ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। अभी ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वीट कल्टीवेशन, फ्रूट फार्मिंग, वाइन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा आर द एक्टिविटीज ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द मैन इन मॉनसून रीजन। लंबरिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स इज वेल डेवलप्ड इन द कंटीग्यूअस फॉरेस्ट रीजन। Because of the harsh environmental condition, the development of human activities are limited in tundra and desert. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो wheat cultivation, for example कोई भी wheat means गेहूँ, तो wheat cultivation हो या fruit farming हो या wine manufacturing हो, तो वो जो activities हैं, तो हमें ये जो एक्टिविटीज है वो हमें मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो ज़्यादातर जब बारिश का मौसम होता है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो बारिश के मौसम में ये जो कंटीन्यूअस फॉरेस्ट रीजन में उसको हम बोलते हैं, और कंटीन्यूअस और ये जो इक्वेटोरियल हम जो रीजन बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं विषुववृत्तीय जो विषुववृत्तीय जो प्रदेश है, वहाँ पे हमें ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमें ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिमिटेड इन द टुंड्रा एंड डेजर्ट। तो टुंड्रा प्रदेश, जो टुंड्रा है जहाँ पे पूरा सूखापन है, डेजर्ट जहाँ पे पूरा सूखापन है, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो कैसे हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमको दिखाई नहीं देती है। तो ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया? हाँ, आया आया मैम, समझ में आया। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इवन सॉइल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द क्लाइमेट एंड इट इज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे हम सभी जानते हैं कि हाँ, जो मिट्टी होती है वो जैसे गांव बदलता है, जैसे गांव बदलता है, जैसे मीन्स हम बोलते हैं प्लेस बदलता है या स्थल बदलता है, वैसे मिट्टी भी अलग अलग टाइप की हमको दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार की हमको मिट्टी दिखाई देती है। एग्रीकल्चरल डिसीजंस, व्हेन टू ग्रो, व्हाट टू ग्रो, हाउ टू ग्रो आर इन्फ्लुएंस बाय द क्लाइमेट। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं और मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ पे कौन सा भी बोना चाहिए, क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, किस मात्रा में उगाना चाहिए, ये सब एग्रीकल्चर डिसीजन पे डिपेंड रहता है। और एग्रीकल्चर डिसीजन क्लाइमेट और मिट्टी पे डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, रबर कैन नॉट बी ग्रो एनीवेयर,
अदर देन द ट्रॉपिकल कंट्रीज. तो जो रबर जो हमको रबर मिलता है, जो फॉर एग्जांपल लकड़ी में से हमको रबर मिलता है, तो ये हमको कहीं पे भी हम नहीं उगा सकते. सिर्फ ट्रॉपिकल जो कंट्री होती है वहाँ पे ही रबर आपको मिल सकता है या वहाँ पे आप उगा सकते हैं. समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. यस मैम. ओके, अभी ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट एंड ट्रांसपोर्ट. जस्ट मिनट. हाँ, यही सुनिए. क्लाइमेट एंड ट्रांसपोर्ट. क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. इन द एरियाज ऑफ हेवी रेन रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स आर फ्लडेड. रिवर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रप्टेड ड्यू टू द फ्लड्स. ओके, तो क्लाइमेट का और ट्रांसपोर्ट का क्या संबंध है? तो जैसा क्लाइमेट होगा वैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी. तो क्लाइमेट की जो इफेक्ट होती है वो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितना ज़्यादा बारिश होता है तो बारिश की ज़्यादा बारिश होने की वजह से रोड्स और रेलवे जो ट्रैक होते हैं वो कभी कभी बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं. जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, या कभी कभी फॉर एग्जाम्पल आपका घर इस जगह पे है कि जहाँ पे पानी नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों का घर उस जगह पे होता है या उस एरिया में होता है कि थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो जल्दी जल्दी पानी भर जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारी मुंबई सिटी. ओके, तो जरा भी बारिश गिरी तो रेलवे ट्रैक पे पानी आ जाता है, हर जगह पानी 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 हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बंद हो जाता है. और रिवर ट्रांसपोर्ट, तो रिवर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो डिसरप्टेड ड्यू टू द फ्लड्स. कि फ्लड जैसा हो जाता है पूर उसको हम बोलते हैं बाढ़ आ जाते, तो इसकी वजह से रिवर ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाता है. तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. यस मैम. ओके. यस मैम. आगे देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन स्टॉर्मी एंड क्लाउडी एटमोसफियर. तो जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है तो वो भी कभी कभी उसके लिए भी उसका दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आती है, क्योंकि कभी कभी जब क्लाउडी एटमोसफियर होता है, स्टॉर्मी एटमोसफियर होता है, तो हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे ठीक नहीं हो सकता या ठीक से उसका फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता. इन पोलर एरिया वाटर इन पोर्ट्स एंड हार्बर इज फ्रोजन. तो पोलर एरिया में, जो पोलर एरिया होता है, तो जो हम बोलते हैं पोर्ट्स और हार्बर जो होते हैं वो भी वहाँ पे पानी जो होता है वो जम जाता है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे पोर्ट और हार्बर फ्रोजन हो जाने की वजह से वो भी हम पोलर एरिया में ये जो पानी की जो समस्या है वहाँ पे हम कम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमारा जो मुरुड़ है और हमारा हरने, ओके, तो ये पोर्ट और हार्बर एरिया में आते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे फॉर एग्जांपल जब ज़्यादा बारिश होती है तो आपको सभी को पता है कि नाव समुद्र में नहीं जाती कि कुछ टाइम के बाद, फिर थोड़ी बारिश कम होने के बाद नाव समुद्र में जाती है, फिर हमको वहाँ से हमको फिर फैसिलिटी मिलती है. तो ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? डू आई अंडरस्टैंड? यस मैम. अभी ये कौन स्क्रिबल कर रहा है यहाँ पे? रोज बोलने का क्या? मुझे नाम दिख रहे हैं तो मैं अभी नाम लो क्या जिसने किया है? आप कहते तो नाम लेते, जिसने किया वो कंप्लीट यहाँ पे क्लीन करो. ओके, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, एक मिनट. हाँ, ये जो हमने ये पॉइंट पढ़ा था तो आपको ये शायद समझ में नहीं आता कि व्हेन व्हीट कल्टीवेशन एंड फ्रूट फार्मिंग एंड वाइन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्टिविटीज ऑफ द मेडिटेरियन रीजन मीन्स उसका मतलब होता है एक मिनट भूमध्य, उसको हम बोलते हैं भूमध्य रीजन.
दूसरा होता है यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मैन इन मानसून रीजन. लंबरिंग एंड ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स इज वेल डेवलप्ड इन कॉन्फिरस. कॉन्फिरस मीन्स शंकु, शंकु वाला प्रदेश. मीन्स यहाँ पे जो पहाड़ी होते हैं, जो जो एरिया होते हैं, यहाँ पे जो जो पेड़ होते हैं, या कुछ अपने पेड़ ऐसे, क्रिसमस ट्री देखा है आपने कभी? क्रिसमस ट्री कॉन्फिरस, क्रिसमस ट्री देखा है आपने? हाँ, तो उस टाइप के पेड़ हाँ, आपको देखा है, देखा है. हाँ, तो शंकुधर जो जंगल होते हैं वहाँ पे जो लंबरिंग होता है या ट्रैपिंग ऑफ एनिमल्स होता है, ये एक्टिविटीज हमको ज्यादा दिखाई देती है. देन अभी ये पॉइंट आपको समझ में आया कि टुंड्रा प्रदेश किसको बोलते हैं, डेजर्ट किसको बोलते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन किसको बोलते हैं, कि जहाँ पे गर्मी भी ज्यादा नहीं है और ठंडी भी ज्यादा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन बोलते हैं. अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड. यस यस. कुछ शब्द याद रखिए, कुछ शब्द आपके लिए थोड़े से नए हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. तो जब भी लेक्चर होता है तो आप ध्यान दीजिए. ओके, मैं अभी तक मैंने आपको क्लाइमेट तक ही पढ़ा है. ओके ओके, अभी ये देखिए. तो ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेट एंड मार्केट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. एरिया ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट आर द एरियाज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड द एरिया ऑफ माइल्ड क्लाइमेट आर द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो भी क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेट उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पे हमें डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स पॉपुलेशन कैसी दिखाई देती है, कम दिखाई देती है. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे होता है, जिस एरिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पे डेंसिटी मीन्स पॉपुलेशन कैसा दिखाई देता है हमको, कम दिखाई देता है. और जहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे मीन्स ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, तो जो माइल्ड क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ पे हमें पॉपुलेशन कैसे दिखाई देता है, हाई डेंसिटी, ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देता है. तो ये पॉइंट आपको समझ में आए क्या अभी तक का? यस मैम. ओके, अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू क्वेश्चन वाला है, साइज शेप ऑफ द कंट्री. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी जो आपने जो पहला जो हम पहला जो क्वेश्चन लिखा था हमने, या पहला क्वेश्चन पढ़े थे, बायोटिक और अबायोटिक. तो जो हम बोलते हैं कि अबायोटिक जो फैक्टर्स है, लोकेशन, लैंड, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये उसमें सब पॉइंट्स आते हैं. तो साइज मीन्स पॉइंट्स वाइज हम ये सब पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. तो देखिए आप, साइज एंड शेप ऑफ द कंट्री. लार्ज साइज कंट्रीज लाइक USA, कैनेडा, रशिया, चाइना एंड इंडिया हैव लार्जली रेंज ऑफ रिसोर्सेज. तो जो साइज के हिसाब से बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, तो उसके हिसाब से कौन सी कंट्री आती है यहाँ पे? USA, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैनेडा, रशिया, चाइना, ये सब रिसोर्स के हिसाब से, क्योंकि उनका रिसोर्सेज भी उतना बड़ा है, तो इसके हिसाब से उनका जो पॉपुलेशन वो भी बड़ा है. ड्यू टू दिस दे माइट पजेस द लार्ज डाइवर्सिटी इन जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन. तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो उनकी जो डाइवर्स मीन्स जो उनको जो लार्ज रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उसके इम्पैक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देती है? लार्ज डाइवर्सिटी इन जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन. हाँ, जियोग्राफिकल कंडीशन में और जियोलॉजिकल कंडीशन में हमें उनकी डाइवर्सिटी दिखाई देती है. स्मॉलर कंट्रीज लाइक UK और जापान हैव द लिमिटेशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जब हम कंपेरिजन करते हैं कि चाइना बड़ा है, इंडिया बड़ा है, USA बड़ा है, रशिया बड़ा है, बड़े बड़े देश की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी बड़े बड़े हैं, वहाँ पे जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन भी अच्छा है,
पर लेकिन जब हम दूसरे कंट्री की बात करते हैं कि जो छोटे देश हैं, तो यूके यहाँ पे देखेंगे आप, यूनाइटेड किंगडम यूके और जापान की बात करते हैं, छोटे देश है क्योंकि उनको जो रिसोर्सेस मिलता है वो उनका जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है वो कैसा है, लिमिटेड है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको, ये पॉइंट समझ में आया? ओके, जब हम मैप देख, ओके आपको आपको शायद ये पता होगा, आप आई थिंक ज्योग्राफी जब आप पढ़ते होंगे, आई थिंक आप 7th और 8th स्टैंडर्ड में जब आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी में हमें मैप एटलास वगैरह होता था, एटलास वगैरह होता था, मैप वगैरह होता, हाँ यस यस। तो उसमें जब सभी देशों का जब नक्शा हमको दिखाया जाता था, नक्शा दिखाया जाता था, तो तभी हमको पता चला कि कौन सा देश बड़ा है। तो भारत दिखाई देता था हमको, भारत का साइज बड़ा है, फिर कनाडा का साइज बड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है, जापान है वो सबसे छोटा है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है वो सबसे छोटा दिखाई देता है, फिर रिवर्स कहाँ पे हैं, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे हैं, बीच कहाँ पे हैं। तो ये हमें EVS में भी हमको एटलास आता है। तो आफ्टर फिनिशिंग अवर सिलेबस आई टीच यू हाउ टू फिल अप द एटलास और हाउ टू फिल अप द मैप। तो मैप हमको EVS में भी आता है। तो ये पता चला आपको कि लार्ज साइज किस वजह से होते हैं, लार्ज साइज लार्ज रिसोर्सेज की वजह से होते हैं, और लार्ज रिसोर्स की वजह से उसकी इम्पैक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देती है, जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल कंडीशन पे हमें उनकी इम्पैक्ट दिखाई देती है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे देखिए, स्मॉलर कंट्रीज मे हैव टू डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। इम्पोर्ट्स मतलब क्या, इम्पोर्ट्स का मतलब क्या, दूसरे कंट्री से माल मंगाना, इम्पोर्ट। हाँ, इम्पोर्ट मीन्स दूसरे से हम मंगवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयात। ओके, आयात। तो हम जब दूसरा जो छोटा छोटा जो देश रहता है उनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो उसकी वजह से कैसा हो जाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस की वजह से उनको दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जनरली जैसे हर एक देश एक दूसरे पे डिपेंड है, सभी देश में सभी रिसोर्सेज या सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है क्या, है क्या, नहीं नहीं है, नहीं। एक दूसरे पे उनको डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से, पर जो छोटे देश हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा दूसरे दूसरे पे, दूसरे बड़े जो देश होते हैं उन पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल यूके हैज टू इम्पोर्ट अबाउट 50% ऑफ इट्स गुड रिक्वायरमेंट, सॉरी फूड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कैनेडा एंड USA एंड अर्जेंटीना। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अगर जो खाना वो बनाते हैं या खाना उनको चाहिए, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मंगवाते हैं, कैनेडा में से मंगवाते हैं, USA में से मंगवाते हैं और अर्जेंटीना से मंगवाते हैं। अभी ये समझ में आया, समझ में आया? ओके, फॉर एग्जाम्पल हम अपना देश का एक एग्जाम्पल ले लें। तो मैंने जैसे अभी बोला कि गेहूं, गेहूं का कहाँ ज्यादा उगता है, कहाँ ज्यादा उगता है गेहूं का, पंजाब, पंजाब में। ओके, पंजाब में ज्यादा होता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक स्टेट में होता है कि नहीं होता है, होता है। हाँ, तो गेहूं वहाँ पे उगता है ज्यादा, फिर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट वैसा नहीं है, हमारे वहाँ पे इतना रिसोर्सेस इतना अच्छा नहीं है, तो गेहूं के लिए हमें कहाँ पे डिपेंड रहना पड़ता है, हरियाणा और पंजाब पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वैसे उसी तरह से कि जो यूके को जो फूड रिक्वायरमेंट्स मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उसकी वजह से उस पे, उसको कहाँ पे डिपेंड रहना पड़ता है, कैनेडा, USA और अर्जेंटीना जैसे देशों पे उसको डिपेंड रहना पड़ता है। सो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? यस यस मैम।